ओम शांति। कल की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। तो बाप दादा, आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो, तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन। इसी को ही कहा जाता है, योगी तो हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो। बाकी आज के दिन की स्नेह की रूहरिहान, स्नेह के उलहने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूहरिहान बाप दादा के पास पहुंची है। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रूहरिहान भी पहुंची, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया, दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते हैं ना, बहुत है, लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ के बच्चों का, बांधेलियों का, विलाप करने वालों का, सब का याद प्यार पहुंचा। अब बाप दादा यही कहते हैं, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है, क्या करे क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, बाबा पूछ रहे, रहम आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना। प्राइज देंगे जो एक मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहां चाहे जब चाहे वहां एकाग्र कर सके। इस चार्ट की रिजल्ट में इनाम देंगे, ठीक है? कौन इनाम लेंगे? पांडव? हम बाबा कहते पांडव पहले। मुबारक हो पांडवों को। और शक्तियां? बाबा शक्तियों के लिए कहते A1। पांडव नंबर 1 तो शक्तियां A1। शक्तियां A1 नहीं होंगी तो पांडव A1। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं। तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। अच्छा, फिर प्यारे मीठे बाप दादा, विंग्स से मुलाकात करते हैं। एजुकेशन विंग की उस समय बाप दादा के साथ मुलाकात थी। तो बाबा कहते हैं, एजुकेशन वालों ने नए प्लान कोई बनाए हैं? नया कुछ बनाया है? अच्छा है, एजुकेशन तो विशेष है। एजुकेशन में अगर अपने कोई भी स्थान में कोई भी एक क्लास का क्लास परिवर्तन करके दिखाया, तो गवर्नमेंट को कितनी खुशी होगी। जैसे गांव वाले कोई गांव को अपनाते हैं ना, वैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, स्कूल में क्लास, पूरे क्लास को चेंज करके दिखाओ, मेजॉरिटी। चलो कुछ थोड़े रह जाए, वह बात दूसरी है, लेकिन कोई क्लास प्रैक्टिकल में परिवर्तन करके दिखाओ तो गवर्नमेंट तक आवाज जाएगा। बहुत अच्छा किया, मुबारक हो। फिर प्लान सुनाया बाबा को एजुकेशन विंग का। तो बाबा कहते हैं, बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक।
अच्छा है देखो। फिर किसी ने कहा साउथ गुजरात के वाइस चांसलर से, साउथ गुजरात के वाइस चांसलर आए थे तो बाबा उनसे मुलाकात करते हैं। ये एक निमित्त बना, अनेक आत्माओं के प्रति तो आपको कितनी दुआएं मिलेगी। जो स्टूडेंट परिवर्तन होंगे उसकी दुआएं आपको शेयर में आएगी, तो आप शेयर होल्डर हो गए। हाँ, सभी की दुआएं अपने शेयर में आई तो बाबा कहते हैं आप शेयर होल्डर हो गए। परमात्मा के शेयर होल्डर, वह शेयर नहीं, नीचे ऊपर वाले होने वाले नहीं। वो शेयर का रेट तो आज कम तो कल ज्यादा, और कल ज्यादा तो परसों एकदम उतर गया। बाबा कहते ये शेयर में ऐसा नहीं है, परमात्मा शेयर है। अच्छा निमित्त बना है, अभी कमाल करके दिखाओ। कोई क्लास का क्लास मेजोरिटी परिवर्तन करके दिखाओ। अच्छा है, आपस में राय करते आगे बढ़ते चलो। जो भी कोई सेल्वेशन चाहिए आपस में मीटिंग करके कर लो। होगा, करना ही है, बढ़ना ही है। अच्छा, फिर बाप दादा मोहिनी बहन से मिलते हैं। ये भी अपने शरीर को चलाना सीख गई है, चलता रहेगा। शांतामणि दादी से, ये भी बहुत अच्छा चला रही है। सभी दादियों को देखते हुए बाबा कहते आप आदि रत्नों की शोभा है। हाजिर होना भी शोभा है, अगर कोई आप में से हाजिर नहीं होता तो खाली खाली लगता है। आदि रत्नों की ये विशेषता है, जहां भी जाएंगे सबको खुशी हो जाती है। बोलो। हाँ बोलो नहीं, बोलो, सिर्फ हाजिर होना ही खुशी है। बोलो नहीं बोलो, बाबा कहते कुछ बोले नहीं भी ना आदि रत्न, दादियां कुछ न भी बोले तो भी उनकी प्रेजेंस ही खुशी दिलाती है। तबियत को तो चलाना आ गया है ना, सभी की तबीयतें तो थोड़ा बहुत खिटखिट करती है, फिर भी चलाना आ गया है। फिर दादी जी से, प्रकाशमणि दादी से, बहुत अच्छा पाठ बजा रही है। बाप दादा देखते हैं शरीर का नॉलेज भी आ गया है, कैसा भी शरीर हो लेकिन चलाना आ गया है। ये बाप दादा देखते खुश होते हैं, आदि रत्न कम नहीं है। आदि रत्न है ना, तो एक एक आदि रत्न की विशेषता है। लास्ट में बाबा निर्मल शांता दादी से मिलते हैं, जो कि ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी थी। बहुत ही अच्छा पाठ बजा रही है, दर्द तो नहीं पड़ता ना। तो दादी कहती बाबा को मिलकर दर्द होगा तो भी चला जाएगा। बाबा कहते आपका नाम सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, पर दादी, तो पर दादी का नाम सुन के खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा, अच्छा ठीक है ना, तबीयत अच्छी है ना, बहुत अच्छा। अभी तो ठंडी को जीत लिया, विजयी बन गई, बहुत अच्छा। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे, और अव्यक्त वाणी पर रात्रि क्लास 9:45 बजे। कल, हाँ, नेक्स्ट मुरली सुनेंगे 2006 की अव्यक्त वाणी 18 जनवरी की। अच्छा, ओम शांति।